हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के बोर्ड के पास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 14 स्टेटिस्टिक का क्वेश्चन है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे क्लास इंटरवल है कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, नाउ यहाँ पे हमें स्टेप डिविजन मेथड का यूज करके हम करेंगे। क्लास इंटरवल आपके पास 50 to 75, 75 to 100, 100 to 25, इस तरह से 20, 275 से लेकर 300 तक का है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, एच इज इक्वल टू कितना है, तो 75 माइनस 50 यानी कि कितना मिलेगा 25। तो 25 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना मिलता है, 12.5 मिलता है। तो लोअर लिमिट में 12.5 ऐड करते जाओ तो यहाँ पे कितना होगा, 62.5, यहाँ पे 87.5, यहाँ पे 112.5, 125 यानी कि 137.5 एक्साइड। तो 150 में 12.5 ऐड करोगे तो कितना होगा, 162.5। 175 में 12.5 ऐड करोगे तो 187.5। 200 में 12.5 ऐड करोगे तो 212.5। 225 में ऐड करोगे तो 237.5। और 250 में ऐड करो तो 262.5। और 275 में करो तो 287.5। नाउ यूआई आपका क्या होगा, तो यहाँ पे मिडिल मोस्ट जो होता है उसमें से सिलेक्ट करने का। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मिडिल मोस्ट कौन से हो गए, ये वाले दो हो रहे हैं। इन दोनों में से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एज्यूम मीन क्लास हो गया। ओके, तो ए इज इक्वल टू कितना होगा, 187.5। ओके, ऊपर। अब यहाँ पे यू में यहाँ पे 0, -1, -2, -3, -4, -5 और यहाँ पे 1, 2, 3, 4। -5 जा कितना होता है, 25। 6, 4 जा कितना होता है, 24। 3, 3 जा कितना होगा, -9। 4, 2 जा कितना होगा, 8। 3, 1 जा कितना होगा, -3, 0। 5, 1 जा 5, 4, 2 जा 8, 8, 3 जा 12 और 5, 4 जा 20। ठीक, नाउ यहाँ पे सम करो तो 25, 24 यानी कि 49। 49 प्लस 9 करोगे तो 49 प्लस 9 करोगे तो 58 होगा। 58 प्लस 8 करो तो 58 प्लस 8 यानी कि 66 होगा। 66 प्लस -3 करो यानी कि -69। ओके, और नीचे 12 प्लस 8 करो तो यानी कि 20, 20 प्लस 20, 40, 40 प्लस 5, 45। ओके, तो सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 69 माइनस 45 यानी कि कितना होगा, -24। कितना होगा, 24। पहले 50 सब्ट्रैक्ट कर दो यानी कि 90 में 5 ऐड कर दो तो 24 होता है। नाउ सिग्मा एफ आई 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 यानी कि 14, 14 plus 4, 18, 18 plus 3, 21, 21 plus 7, 21 plus 7, 28, 28 plus 5, 53, 53, 3 plus 4, 53 plus 4 यानी कि 57, 57, 5 plus 4, 11, 11 plus 3 यानी कि 14, 14 plus 4, 18, 18 plus 3, 21, 21 plus 7, 28, 28 plus 5 करोगे 33 होगा, 33 plus 4 करोगे तो 37 होगा, 37 plus 8 करो 45 होगा, 45 plus 55 करो तो कितना होगा, 50। नाउ यहाँ पे पुट कर दो h इज इक्वल टू 25। नाउ x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो a इज इक्वल टू कितना है, 187.5 प्लस यहाँ पे -24 एफ आई यू आई मिला। एफ आई कितना है, 50 है इंटू 25
25 टू जा, यहाँ पे टू बचेगा, 24 को 2 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा, -12 होगा। ठीक, तो 187.5 -12, 187 में से करोगे 12 सबट्रैक्ट तो कितना होगा, 175.5 आंसर आएगा। तो मीन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आर 175.5 होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस।